है हमें करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर, आर मतलब कोई भी गिवन डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा ये पता करते हैं। दैट इज़ बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन भी देखा, करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो उस कैलकुलेशन में हमने देखा था कि हर एक करंट एलिमेंट के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है, फिर उसका पूरे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर बहुत सारे अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उन सब चार्ज पार्टिकल्स के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के वेक्टर सम करना होता था, जिसको हम बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो फिर इंटीग्रेशन के मेथड से निकालते थे। बट और एक इजी तरीका भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम बोलते थे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता था, गॉस लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए एक इजी कैलकुलेशन प्रोवाइड करता था, जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है, विद सम लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे अगर करंट कैरिंग वायर के लिए हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट कैरिंग वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता है तभी कैलकुलेट कर पाते हैं, फाइनाइट लेंथ के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ पे हमें फिर से बायो सेवर्ट लॉ ही यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स में भी यहाँ भी एक ऐसा लॉ है जिसको कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन को ईजी बना देता है, बट अगेन विद सम लिमिटेशंस, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या होंगे ये बाद में देखते हैं, पहले एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेते हैं। ये कुछ मामलों में वैसा ही है जैसे गॉस लॉ था, ठीक है। वहाँ पर हम गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक गॉसियन सरफेस चूज़ करते थे, यहाँ पर सरफेस नहीं, यहाँ पर हम एक क्लोज्ड पाथ और यू कैन से लूप, एक लूप को चूज़ करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दोनों फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आगे फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोनों जो फील्ड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम गॉस लॉ यूज़ करने के लिए एक गॉसियन सरफेस चुनते हैं, सरफेस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये गॉस लॉ की तरह है, मिलता जुलता है, बट यहाँ पर हम एक सरफेस नहीं चूज़ करते हैं बल्कि यहाँ पर एक लाइन चूज़ करते हैं। कैसी लाइन, क्लोज्ड लाइन, जिसको हम क्लोज्ड लूप कह सकते हैं या क्लोज्ड पाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक डाइवर्जिंग फील्ड होता है, डाइवर्जिंग फील्ड है। और अगर डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग भी होगा, यानी कि अगर एक जगह से स्टार्ट होकर फैलता है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाया जाता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज मतलब होता है फैलना। तो ऐसे एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के ये फील्ड ऐसे सब डायरेक्शंस में फैल रहा है, इस साइड में भी होगा, सिर्फ बोर्ड के प्लेन में नहीं, इस साइड में भी होगा, बोर्ड के पीछे साइड में भी होगा। और जहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज है, तो वहाँ पर ये फील्ड ऐसे कन्वर्ज हो जाता है। तो अगर हमने डाइवर्जिंग फील्ड कहा तो कन्वर्जिंग अंडरस्टूड है कि वो कन्वर्जिंग भी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर एंड हो गया नेगेटिव में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग फील्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक कर्ल फील्ड होता है, कर्ल यहाँ लिख देते हैं, डाइवर्जिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है एक कर्ल फील्ड। कर्ल फील्ड का मतलब क्या होता है, कर्ल का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, कर्ल का मतलब होता है ऐसे मुड़ा हुआ, मुड़े हुए चीज़ को कर्ल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड लूप्स बनाता है, जैसे उस दिन भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्ट लॉ जब हमने पढ़ा था तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इस तरफ और इस तरफ, वायर के पीछे साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, मतलब वायर के चारों तरफ अगर हम एक सर्कल इमेजिन करें
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह का आया था। सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, ये जो पेन है ये करंट कैरिंग वायर है और इसका जो टिप है ये करंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का आया था कि अगर राइट हैंड से ऐसा इमेजिन करें थंब को करंट के डायरेक्शन में रखकर, राइट हैंड से अगर फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया जाए, पेन को पकड़ा जाए, तो जैसे फिंगर्स एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, यहाँ करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्लोज्ड लूप में होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के जो फील्ड्स हैं उनका नेचर अलग अलग है। ये एक डाइवर्जिंग फील्ड है। अगर हम यहाँ एक सरफेस इमेजिन करें तो इस सरफेस को ऐसे इन पॉइंट्स पर कट करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो सरफेस के हर पॉइंट पर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये है ई डॉट डी एस, और ये इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे हमने एक फील्ड सर्कल लगाया है, मतलब कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएंगी कि फ्लक्स जब हमें निकालना होता है तो फ्लक्स निकाला जाता है सरफेस के लिए, जैसे यहाँ पर ई डॉट डी एस सरफेस के लिए फ्लक्स निकाला जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी डॉट डी एस अगर करेंगे बी डॉट डी एस तो वो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। ठीक है, तो उस बात के लिए थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ अगर हम बी डॉट डी एस करेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए तो ज़ीरो आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सरफेस इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर किया जाता है लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक लाइन पर चलता है। ठीक है, ऐसे फैलने वाला फील्ड नहीं है, डाइवर्जिंग फील्ड नहीं है, वो एक लाइन पर चलता है इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चारों तरफ होगा इस वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया जाता है, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, डी एल मतलब इस लूप का एक छोटा पार्ट होगा डी एल। ठीक है, बी डॉट डी एल, अभी इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। बी डॉट डी एल यहाँ इंटीग्रेट किया जाता है लाइन के अलॉन्ग, और ये सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर हम बनाते थे फील्ड सर्कल जो कि सरफेस इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर एम्प्टी सर्कल, एम्प्टी सर्कल लूप के अलॉन्ग इंटीग्रेशन का साइन है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डी एल, तो ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। क्या आएगी ये अभी डिस्कस किया जाएगा। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम अगर ई डॉट डी एल करें, ये एक एक्सरसाइज बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, जबकि सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। और यहाँ इसका ठीक उल्टा है, सरफेस इंटीग्रेशन करोगे मैग्नेटिक फील्ड का तो ज़ीरो आ जाएगा, और लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए डाइवर्जिंग फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ ए कर्ल फील्ड। ठीक है, इन बातों के और भी ज़्यादा डीपर मीनिंग होते हैं, ये हायर क्लासेस में और डिस्कशन होगा कि कर्ल फील्ड और डाइवर्जिंग फील्ड का मीनिंग और किस किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन पर, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ यही बताता है हमें कि एक क्लोज्ड लूप के अलॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किया जाए तो वो कितना आता है। और ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, कुछ केसेस में, हर केस में नहीं आ सकता, बट कुछ केसेस में काम आता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है कि मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट है, और ये सपोज़ इनफाइनाइट साइज़ का है। ठीक है, तो इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो आर डिस्टेंस पर, अगर हम एक पॉइंट पी लें और उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक लूप इमेजिन करें, एक क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये एक क्लोज्ड लूप है जो इस वायर को सर्कमफेरेंस करता है, ऐसे चारों तरफ इसके जा रहा है। और ये जो एरो है, ये एरो क्या बताता है, ये एरो इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। बिल्कुल वही बात है, कोई नई बात नहीं, जो पहले भी डिस्कस हो चुकी वही है कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखेंगे और या ऐसा इमेजिन करेंगे कि इस वायर को हमने पकड़ के रखा है। ठीक है, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, देखो फिंगर्स किस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, ऐसे। अगर टॉप व्यू देखेंगे, इसका टॉप व्यू, तो हमें
जो ये लूप है ये दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थंब कैसे दिखाई देगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर इस लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किया जाए, लाइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो जिसकी लेंथ हो dl, ठीक है, dl वेक्टर, और ये dl वेक्टर को हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ले लेते हैं। इस पॉइंट पर या P पॉइंट पर, कहीं भी मान लो, P पॉइंट पर मान लिया हमने ये dl वेक्टर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, P पॉइंट पर कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया था ऐसे। तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाए, यहाँ पर इधर होगा अंदर की तरफ, यहाँ बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, और ये dl वेक्टर भी ऐसे। तो यहाँ ये dl और b जो वेक्टर्स हैं उनका तुम्हें कुछ साइज दिखाई दे रहा है, बट इन फैक्ट ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो हर dl b के डायरेक्शन में हमने ले लिया कैलकुलेशन की आसानी के लिए। इस लूप के हर पॉइंट पर, इसके सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पर b और dl हमने टेंजेंशियल डायरेक्शन में बना रखे हैं। तो किसी एक पॉइंट पर लाइन इंटीग्रेशन, सॉरी लाइन इंटीग्रेशन एक पॉइंट पर नहीं पूरे लूप के लिए होगा, किसी एक पॉइंट पर अगर हम b डॉट dl लिखें, b डॉट dl, और फिर सारे लूप के लिए उसको इंटीग्रेट करें, जब सारे लूप के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी मानकर चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम होगा, ठीक है। और सेम क्यों होगा ये ऐसे ही नहीं मान लिया, इसके पीछे लॉजिक भी है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होने का रीज़न ये है कि करंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस लूप का हर पॉइंट करंट कैरिंग वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसा मानना ऑब्वियस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आर है, ठीक है, लूप में पीछे साइड में इसलिए कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मानना ऑब्वियस है कि जब डिस्टेंस इस लूप के हर पॉइंट की डिस्टेंस करंट कैरिंग वायर से एक बराबर है तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। तो हर पॉइंट के लिए b डॉट dl लिखें और फिर इंटीग्रेट करें। यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है बट ये फील्ड सर्कल नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इंटीग्रेशन लूप के लिए है। अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो ये सरफेस के लिए साइन हो जाएगा। तो b डॉट dl फॉर द क्लोज लूप is equal to, according to Ampere's circuital law, it is mu naught I net times mu naught into I net equal to B dot dl. यानि Ampere's circuital law क्या कहता है कि किसी closed current carrying loop के लिए, किसी sorry not closed current carrying loop, फिर से बोलते हैं statement कि एक current carrying wire के चारों तरफ अगर हम B dot dl को integrate करते हैं, B dot dl को एक क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेट करते हैं, देन दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। अब जरा इसको कंपेयर करो, तो गॉस लॉ जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर फील्ड सर्कल बनाते थे क्योंकि हमें सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना था। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट, नॉट म्यू नॉट, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट था, 1/ε0 क्यू नेट। ये हमारा गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब ज़रा दोनों लॉज को कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या समझ में आता है, कंपेयर करने से ये समझ में आता है पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने कैलकुलेट किया है लाइन इंटीग्रेशन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने किया तो यहाँ पर हमने बी डॉट डी एल लिखा है dl, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया तो ई डॉट डी एस लिखा। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है उस सोर्स से एक डाइवर्जिंग फील्ड निकलता है, ठीक है, डाइवर्जिंग फील्ड यानी जो एक सरफेस को कट करते हुए जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, उसका सोर्स होता है एक करंट एलिमेंट, तो यहाँ पर B डॉट dl लिया गया, ठीक है, और ds यहाँ होता है मतलब एक बहुत ही छोटे साइज़ का वॉल्यूम, उसके सरफेस पर होता है चार्ज, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है। राइट साइड में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर है म्यू नॉट आई नेट, यहाँ है 1/ε0 क्यू नॉट। म्यू नॉट क्या चीज़ था, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम,
यहाँ पर म्यू नॉट है तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पर भी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी आ गई, परमिएबिलिटी परमिटिविटी, इनका मीनिंग क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर है करंट, यहाँ पर है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बस सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन है और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन है, और ये दोनों फील्ड्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ऐसा है, ठीक है। अब इसको और समझते हैं, म्यू नॉट आई नेट का क्या मतलब है। तो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ गए, म्यू नॉट का मतलब जानते ही हैं, अब आई नेट का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आई नेट? आई नेट का मतलब है कि ये लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज आई नेट। जैसे कूलम्स सॉरी गॉस लॉ में जैसे था कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ उस चार्ज को लेना है, यानी वो हो जाएगा क्यू नॉट, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर 1/ε0, E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/ε0 क्यू नेट, दिस इज गॉस लॉ। और बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे वहाँ पर था कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो लेना है, वैसे ही यहाँ पर क्लोज लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा होता है द नेट करंट थ्रेडिंग द सरफेस ऑफ द लूप, नेट करंट थ्रेडिंग द सरफेस ऑफ द लूप। थ्रेडिंग का मतलब जानते हो, थ्रेडिंग का मतलब होता है कि एक कपड़े का सरफेस है मान लो, उसके अंदर से सुई को हमने ऐसे डाला, तो सुई का जो धागा है वो सरफेस को पार करके सुई के साथ ऊपर निकल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेडिंग द लूप। ऐसा तुमने देखा होगा कुछ लोगों के घरों में जो घर में एम्ब्रॉयडरी करते हैं, घर में एम्ब्रॉयडरी करने वाला एक फ्रेम होता है, लकड़ी का फ्रेम होगा, स्टील का हो सकता है, तो जो एम्ब्रॉयडरी करने वाला फ्रेम होता है उसमें क्या करते हैं कि फ्रेम के ऊपर ऐसे कपड़े को खींचकर फिक्स कर दिया जाता है, फिर जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है तो ऐसे नीचे से कभी सुई को डालते हैं, फिर धागा ऐसे बाहर निकल आता है, फिर ऐसे ऊपर से डालते हैं तो धागा नीचे की तरफ खींच लिया जाता है। तो वैसे ही इमेजिन करो कि ये जो लूप है इसका सरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करने वाला फ्रेम में कपड़ा लगा हुआ है। अब इसमें सुई को ऐसे नीचे से ऊपर डाला जा रहा है, मतलब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर से नीचे जब सुई को डाला तो करंट सरफेस को पार करके ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास इसको आई नेट को समझने के लिए मान लो कि ये एक क्लोज्ड लूप है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली सर्कुलर हो, कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर ले लिया जाता है कैलकुलेशन की आसानी के लिए, चलो सर्कुलर ही ले लेते हैं फिलहाल। सिमेट्रिकल, जैसे गॉसियन सरफेस में बोला गया था कि सिमेट्रिकल होगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लो कि इस तरह से कुछ ये लूप है, ये ऐसे इस प्लेन में रखा हुआ है इसीलिए टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका सेंटर है लूप का और ये इस लूप की एक्सिस है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो इस लूप से डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स पास हो रहे हैं, मान लो एक वायर ऐसे पास हो रहा है, इसमें आई वन करेंट है, एक वायर ऐसे पास हो रहा है, इसमें आई टू करेंट है, और एक वायर ऐसे पास हो रहा है ऐसे, इसमें मान लो आई थ्री करेंट है, और एक वायर ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, इसमें है मान लो आई फोर करेंट, और एक वायर मान लो ऐसे पास हो रहा है इस तरह से, इसमें है मान लो आई फाइव करेंट, और ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू कलर का लूप दिखाई दे रहा है, ये वो लूप है जिसके अराउंड हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई नेट, आई नेट का मतलब कि कुछ करंट को हमें पॉजिटिव लेना है, कुछ करंट्स को नेगेटिव लेना है, तो कौन से करंट्स को पॉजिटिव लें और कौन से करंट्स को नेगेटिव लें ये कैसे डिसाइड होगा। जैसे गॉस लॉ में डिसाइड होता था कि आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते थे, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते थे, ठीक है, उसी तरह की कुछ चीज़ यहाँ पर भी है। तो जनरली ऐसा किया जाता है कि राइट हैंडेड सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रखें और फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये जो फिंगर्स के मुड़ने का डायरेक्शन आया है ये हम ले लेते हैं डी एल का डायरेक्शन, ये डी एल का डायरेक्शन, और जो डी एल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी,
तो बी डॉट डी एल ऐसे आ गया। तो अगर बी इस तरफ आ रहा है, फिंगर्स को ध्यान से देखो कि अगर बी को इधर लिया है तो थंब किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये तभी आएगा जब करंट ऊपर की तरफ हो। इट मीन्स कि अगर हमें इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन लेना है तो उस वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे ले रहे हैं लेकिन करंट जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को इंक्लूड करने का आसान तरीका है कि राइट हैंड से फिंगर्स को मोड़ेंगे, जो डायरेक्शन आ रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड मान लिया जाएगा, और जो थंब आ रहा है वो पॉजिटिव करंट मान लिया जाएगा, और इसके अपोजिट जो करंट होगा यानी नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको हम नेगेटिव करंट मान लेंगे। इस तरह से हमारा आई नेट आ जाएगा। तो इस लूप में यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी दे दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सी करंट को पॉजिटिव लेना है और कौन सी करंट को नेगेटिव। तो अब ज़रा डायग्राम देख करके बताओ कि आई नेट की वैल्यू इस डायग्राम के लिए क्या होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा कर देते तो फिर नीचे वाली करंट पॉजिटिव हो जाती और ऊपर वाली करंट नेगेटिव हो जाती, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, इस डायग्राम के लिए आई नेट क्या होगा। तो देख लो, जो करंट ऊपर जा रही है वो पॉजिटिव लेनी, जो नीचे जा रही है वो नेगेटिव लेनी, ठीक है। तो I1 ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, I2 भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, I3 नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो इधर से I3 आया इधर पार हो गया तो माइनस I3। I4 के बारे में खास बात है, ध्यान दें ज़रा, I4 एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे जाता है, ठीक है। यानी अगर तुम एक बार I4 को पॉजिटिव लोगे इस यहाँ पर और फिर यहाँ I4 नीचे की तरफ भी जा रहा है तो एक बार तुम्हें नेगेटिव भी लेना होगा, ठीक है। और बचा I5, I5 का क्या करेंगे, I5 इधर से एंटर किया और एक ही बार इस लूप को पार किया है, एक ही बार पार किया है और ऊपर की तरफ से पार किया है, तो यानी कि I5 पॉजिटिव हो जाएगा, I5 में नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक मान लो होता I6 होता है ऐसे, I6, तो I6 का क्या करेंगे, I6 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारा लूप है ब्लू कलर का लूप दिखाई दे रहा है, I6 उसके पूरी तरह से बाहर है, ना तो लूप में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए I6 हमारे इस इंटीग्रेशन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जैसे गॉस लॉ में था कि अगर क्लोज्ड सरफेस है तो कुछ चार्ज अंदर रखा हुआ है, मान लो कि Q1, Q2, Q3 अंदर रखे हुए हैं, सपोज़ ये नेगेटिव है, और बाहर रखा हुआ है मान लो Q4 और इधर रखा है मान लो Q5, तो जो चार्ज पार्टिकल्स क्लोज सरफेस के बाहर हैं वो इसमें नहीं आते हैं, किसमें, वन बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट, यहाँ पर लिखा जाता है ना क्यू नेट एनक्लोज्ड, तो सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ वही लेना है, बाहर वालों को नहीं लेना है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है, इस लूप के बाहर जो करंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लूप के अंदर अगर करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव ले लिया, और ये भी कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लिया है तो ऊपर वाला करंट पॉजिटिव और नीचे वाला करंट नेगेटिव, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लिया तो नीचे वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये आई नेट की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ।